Allegedly, Russia ने यूक्रेन पर एक वैक्यूम बॉम्ब गिराया है। बट वॉट इज अ वैक्यूम बॉम्ब? वैक्यूम बॉम्ब ऑल्सो नोन एज थर्मोबैरिक वेपन या एरोसोल बॉम्ब एक फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव है जो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है अपने आसपास के इलाके से और एक हाई टेम्परेचर एक्सप्लोजन करता है। सिंस ये बॉम्ब ऑक्सीजन सक करता है तो एनिमी जो बंकर्स में छुपा हुआ होता है उसे भी टारगेट करना इजी हो जाता है। आफ्टर एक्सप्लोजन जो व्यक्ति इसके डायरेक्ट टारगेट पर है वो तो भाप बन जाता है, लेकिन वो जो इसके आसपास के एरिया में है उसके वो लंग्स जला देता है, अल्टीमेटली किलिंग द पर्सन स्लोली। अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो ये बॉम्ब हिट करने के बाद पहले तो हवा में माइन्यूट पार्टिकल्स एरोसोल्स स्प्रे और मेटल्स छोड़ता है, फिर ये सारा मिक्सचर चारों ओर फैल जाता है इंक्लूडिंग क्रैक्स क्रिवाइसेस एंड इवन बंकर्स। उसके बाद इस बॉम्ब के सेकंड स्टेज पर एक इग्निशन होता है जिससे हवा में फैले हुए स्प्रे में आग लग जाती है जिससे एक भयानक एक्सप्लोसिव क्लाउड बन जाता है। ये वैक्यूम बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद सबसे डेंजरस माना गया है एंड इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड बाय द जिनीवा कन्वेंशन। हिस्टोरिकली वियतनाम वॉर में यूएसए ने सबसे पहली बार ऐसे बॉम्ब का यूज किया था। ऑल्सो यूएसए इसे 2001 में अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड 2017 में अगेंस्ट आईसिस यूज कर चुका है एंड रशिया ने इसे चेचनिया क्राइसिस के दौरान इन 99 एंड सीरियन सिविल वॉर के दौरान यूज किया था।